everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. नोएडा के बाद गाजियाबाद का रियल एस्टेट सबसे ज्यादा बूम पर है, और अगर हम गाजियाबाद पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ के जो मेजर रीजंस हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा तो वो है इंदिरापुरम, विशाली, वसुंधरा। पर ये रीजन अब ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन है एंड यहाँ पर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं बायर्स के लिए। और इसके बाद एक लोकेशन गाजियाबाद में जो सबसे ज्यादा उभर के आ रही है तो वो है सिद्धार्थ विहार की लोकेशन। इस लोकेशन के बारे में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रखी है, सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये लोकेशन अभी एक डेवलपिंग स्टेज में लोकेशन है, तो आज की ये जो वीडियो है ये इसी लोकेशन के बारे में होने वाली है। आज मैं आप सभी को सिद्धार्थ विहार ले जाने वाली हूँ, उस जगह की क्या खासियत है, इस जगह की लोकेशन कैसी है, कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको कैसी मिल रही है, प्लस यहाँ पे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्राइस रेंज रहेगा, कैसी यहाँ पर अमेनिटीज मिल रही है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप सिद्धार्थ विहार में घर परचेज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल देखिएगा, ये एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिद्धार्थ विहार से रिलेटेड सभी जानकारियां देने वाली हूँ। तो चलिए सिद्धार्थ विहार की तरफ। गाइस, मैं अभी नोएडा बासठ राउंड अबाउट पे खड़ी हूँ। यहाँ से आपका सीधा सिद्धार्थ विहार है, जो कि आपका यहाँ से हार्डली 6 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। इस तरफ दिल्ली है हार्डली 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर, एंड पीछे आप देखिए उस तरफ आपके थोड़ा सा आगे जाके आपको यहाँ पे इंदिरापुरम को विशाली भी मिल जाता है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सो जो लोग दिल्ली या नोएडा से आ रहे हैं उनके लिए सिद्धार्थ विहार से सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन नजदीक पड़ जाता है। एंड अब मैं आपको सिद्धार्थ विहार ले जाती हूँ। पीछे आप ये मेरे हाईवे भी देख सकते हैं, दैट इज NH24 जो कि दिल्ली और आगरा की तरफ जाता है। बीच में हमारा पड़ेगा यहाँ पर सिद्धार्थ विहार। तो चलिए अब मैं आपको लोकेशन पर ले जाती हूँ। तो गाइस, बासठ गोल चक्कर से सीधा हम चलकर अब सिद्धार्थ विहार कट पर आ चुके हैं। यहाँ इस जगह को आप राहुल विहार भी बोलते हैं, राहुल विहार कट भी बोलते हैं यहाँ पर। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरफ आपका नोएडा रहेगा, सीधा आपका दिल्ली भी है, प्लस इस तरफ आपका गाजियाबाद शुरू हो जाता है। यहाँ से आप गाजियाबाद एक्सेस कर सकते हैं। तो नोएडा खत्म होते ही सबसे पहले आपको इंदिरापुरम विशाली मिल जाता है, उसके बाद सीधा आपका सिद्धार्थ विहार आ जाता है। सिद्धार्थ विहार इसकी नेक्स्ट लोकेशन रहेगी। पीछे आप हाईवे देख सकते हैं, दैट इज NH24, जहाँ से आपको मैंने बताया है दिल्ली और आगरा की दोनों तरफ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सिद्धार्थ विहार की मेजर USP उसकी एक्चुअली कनेक्टिविटी ही है, जहाँ से आपको हापुड़, मेरठ, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद एंड आपका नोएडा सभी जगहों की यहाँ से ना बहुत ही इजीली कनेक्टिविटी मिल जाती है। और मतलब बिल्कुल रोड पर है ये लोकेलिटी सिद्धार्थ विहार, यहीं से ये एरिया पूरा सिद्धार्थ विहार का शुरू हो जाता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाते हैं। इस तरफ आपका नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, मेट्रो स्टेशन है, प्लस एक और मेट्रो स्टेशन भी है, क्योंकि आगे आपका रेड लाइन मेट्रो स्टेशन है, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, वो भी यहाँ से हार्डली आपका सिद्धार्थ विहार से अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मतलब दो दो आपको यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देख ही सकते हैं, नोएडा से भी आपको यहाँ आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। एंड गाइस, आप यहाँ से देखिए, पीछे मेरे देखिए, तो यहीं से आपका सिद्धार्थ विहार दिखने शुरू हो जाता है। पीछे आप लोगों को प्रत्येक ग्रैंड सिटी है, प्रत्येक प्रोजेक्ट आपका रोड से ही दिखने लग जाता है, सारे प्रोजेक्ट यहाँ से दिखने लग जाते हैं। तो अब बस यहाँ से ये डिस्टेंस हार्डली 2 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। तो चलिए आप और आगे चलते हैं। एंड गाइस, अब हम फाइनली आ चुके हैं सिद्धार्थ विहार, यहीं से आपका सिद्धार्थ विहार शुरू हो जाता है। पीछे आप देखिए तो यहाँ पर सामने प्रताप विहार है, जो कि GDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। तो सामने आपको एक लोकल मार्केट भी मिल जाता है जो लोग सिद्धार्थ विहार में है, क्योंकि सिद्धार्थ विहार अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है तो यहाँ पर मार्केट अभी ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। तो सामने प्रताप विहार है बिल्कुल ही, यहाँ पर लोकल मार्केट्स मिल जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। एंड इस तरफ आप देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेड लाइन मेट्रो स्टेशन भी है, तो रेड लाइन आपका शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन इस तरफ हो जाएगा। प्लस आप ये देखिए, सिद्धार्थ विहार के शुरुआत में ही यहाँ पर DPS स्कूल है जो कि ऑपरेशनल है। तो ये DPS स्कूल है, प्लस DPS स्कूल को मिलाकर सिद्धार्थ विहार में इन टोटल 3 स्कूल्स हैं। एक गौर का एक स्कूल है, प्लस एक और स्कूल भी है। तो 3 स्कूल तो सिद्धार्थ विहार में है, प्लस प्रताप विहार में भी कुछ स्कूल्स हैं। इंदिरापुरम विशाली यहाँ से नजदीक है तो वहाँ पर भी कुछ स्कूल्स प्रेजेंट है। अगर कॉलेज की बात की जाए तो सामने ही प्रताप विहार में संतोष मेडिकल कॉलेज है, एंड ABS कॉलेज भी यहाँ से आपका अराउंड 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। मतलब स्कूल्स कॉलेजेस सब नजदीक है सिद्धार्थ विहार के।
एंड इंदिरापुरम विशाली के बाद सिद्धार्थ विहार एक बहुत ही मेजर हॉटस्पॉट के रूप में उभर के आया हुआ है, क्योंकि इन जगहों में अब डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड यहाँ पर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है डेवलपमेंट के लिए, बट सिद्धार्थ विहार इसके बाद इन लोकेशंस का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है एंड अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। काफी सारी डेवलपमेंट, अराउंड 40% डेवलपमेंट यहाँ हो गई है, बट काफी डेवलपमेंट अभी भी बाकी है। यहाँ पर आप पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये गौर का एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं हम, इस तरफ एपेक्स है, उस तरफ आप देखिए तो पीछे प्रतीक ग्रैंड सिटी भी है। कई सारे यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी है, एसजी शिखर है, ट्रूवे फ्रेग्रेंस है। तो चलिए अभी और अंदर चलते हैं, सिद्धार्थ विहार के और भी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लस सिद्धार्थ विहार एज अ लोकेशन इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलो, सिद्धार्थ विहार यूपी आवास विकास योजना के तहत डेवलप किया गया था, इंडन रिवर के बैंक्स पर ये लोकेटेड है एंड अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूँ, यहाँ के टोटल लैंड पैच की बात करूँ, तो सिद्धार्थ विहार पूरा आपके 700 एकड़ के लैंड पैच में है, जहाँ पर कि आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज रहेंगी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज रहेंगी, प्लस आपकी पब्लिक अमेनिटीज यहाँ पर रहेंगी, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों के लिए भी लैंड अलॉटेड है। तो 700 एकड़ के पूरे एरिया में अराउंड 100-150 एकड़ का एरिया सिर्फ रेजिडेंशियल यूज के लिए रहेगा, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इसमें रहेंगे, बाकी कुछ एकड़ में यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज रहेंगी एंड उसके साथ साथ यहाँ पर पब्लिक अमेनिटीज के लिए भी स्पेस दिया गया है, जैसे कि स्कूल्स यहाँ पर रहेंगे, हॉस्पिटल्स के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक 47 एकड़ का थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क रहेगा, जिसमें कि प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स भी है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्कूल्स तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसके अलावा इन फ्यूचर यहाँ पर जब और डेवलपमेंट होगी तो और स्कूल्स आएंगे। रोड अभी फिलहाल आप देखिए तो रोड्स भी काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर दिए गए हैं, पर उस हिसाब के अभी डेवलप्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम काफी ज्यादा चलता रहता है, काफी सारे यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं। इस तरफ आप देखिए तो यहाँ पर ये एसजी शिखर है जो कि कुछ टाइम में डिलीवर कर दिया जाएगा, अभी ये नियर टू पोजेशन है। तो इसी तरीके से काफी सारी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। अगर मैं पूरी डेवलपमेंट की बात करूँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अराउंड 30-35% ही डेवलप हुआ है एंड 70-75% अभी भी यहाँ पर डेवलपमेंट होनी है। प्लस यहाँ पर दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, आपकी हाई राइज प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर लो राइज प्रॉपर्टीज हैं। जो हाई राइज प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादातर प्राइवेट बिल्डर्स की हैं। अगर मैं बिल्डर्स की भी बात करूँ तो सिद्धार्थ विहार में प्रतीक ग्रुप है, TNT ग्रुप के यहाँ पर 4-5 प्रोजेक्ट हैं जो कि आपके 3 BHK एंड अपर यूनिट्स ही लाते हैं। गौर के यहाँ पर प्रोजेक्ट है, पीछे आप देखिए तो गौर सिद्धार्थम है, यहाँ पर इस तरफ एसजी शिखर है, ट्रूवे फ्रेग्रेंस भी है यहाँ पर और कुछ एक दो कमर्शियल भी यहाँ पर अभी बन रहे हैं। सो ये सारी चीजें तो अभी हो रखी हैं, रोड्स वगैरह थोड़े बना दिए गए हैं और ज्यादा इन फ्यूचर और ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट होगी तो और ज्यादा प्रॉपरली ये मेंटेन कर दिए जाएंगे। सिद्धार्थ विहार एक लो डेंसिटी लोकेलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अब यूपी आवास विकास योजना के तहत बन रही है, तो यहाँ पर आपका ओपन एरिया बहुत ज्यादा रहेगा। कंस्ट्रक्शन टोटल 700 एकड़ में अराउंड 300-350 एकड़ में ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन रहेगी और बाकी पूरा एरिया आपका ओपन एरिया रहेगा, तो काफी ज्यादा एक लो डेंसिटी लोकेलिटी है एंड अगले 10-15 सालों तक यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। तो मतलब अगर कोई अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो श्योरिटी में उसको आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा उसको अपनी प्रॉपर्टी पे। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा एक अफोर्डेबल रेंज में है, ऑल्दो कुछ लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर प्रॉपर्टीज अफोर्डेबल रेंज में है, जिन्हें मे बी इन फ्यूचर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज के रेट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ विहार अभी डेवलपिंग स्टेज में है, यहाँ पर कमर्शियल्स के उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऑल्दो जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बाहर उन्होंने खुद के अपने प्राइवेट जो शॉपिंग एरियाज होते हैं वो जरूर दिए हुए हैं, बट अगर हम अलग से कमर्शियल एरियाज की बात करें, अगर किसी मॉल वगैरह की बात करें तो वो फिलहाल सिद्धार्थ विहार में नहीं है। जो शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी है, बट मेजरली अभी अगर शॉपिंग एरियाज की अगर हम बात करें तो आपको प्रोजेक्ट्स के बाहर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो सब प्रोजेक्ट्स आपको अपने उनके साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल स्पेसेस भी दे रहे हैं और मेजरली आप यहाँ पर प्रताप विहार से शॉपिंग कर सकते हैं। इंदिरापुरम वैशाली ये नजदीकी हॉटस्पॉट्स रहेंगे शॉपिंग एरियाज के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रोजेक्ट्स की, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर वो सबके सब आपको अच्छी अच्छी अमेनिटीज दे रही हैं, जो कि नॉर्मल अमेनिटीज होती हैं जो हर प्रोजेक्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी सारी मिलेंगी। प्लस कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि TNT ग्रुप है, वो काफी अच्छे सेगमेंट में यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं एंड उनकी अमेनिटीज भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। स्मार्ट होम्स वो लेकर आए हैं, स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट, जिसके साथ साथ वो काफी ज्यादा
अलग और एक्सक्लूसिव अमेनिटीज भी दे रहे हैं। गाइस अगर आप लोग सिद्धार्थ विहार में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, चाहे फिर वो खुद के लिए खरीदने का प्लान करें या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्लान कर रहे हैं, तो आज का टाइम प्रेजेंट सबसे अच्छा टाइम है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक साल में ही यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइसेस में काफी ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आप अभी ही कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस का बात करूँ तो यहाँ पर आपका BSP लगभग 5,000 से 7,500 तक का यहाँ का BSP है। एंड यहाँ पर आप 40 लाख से 3.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रेजिडेंशियल में यहाँ पर अभी काफी सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अफोर्डेबल रेंज की यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, लग्जरी सेगमेंट की भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, मतलब सभी तरीके की आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सिद्धार्थ विहार कंक्लूड करूँ तो इसकी मेजर USP है इसकी लोकेशन। इस सिद्धार्थ विहार लोकेलिटी को इसका सबसे ज्यादा मेजर जो एडवांटेज मिल रहा है किसी बात का, तो वो है इसकी लोकेशन का। NH24 से कनेक्टिविटी है यहाँ की, नोएडा बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, आगरा मेरठ तरफ की कनेक्टिविटी मिल रही है। तो जो लोग मतलब नोएडा में घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंदिरापुरम में घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सिद्धार्थ विहार आज के टाइम पे सबसे परफेक्ट लोकेशन है। बट ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर अफोर्डेबल रेंज के प्रोजेक्ट्स काफी सारे हैं, बट धीरे धीरे उनके भी प्राइस वाइज हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, कहीं पर भी आप नोएडा के अराउंड प्लान कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ विहार सबसे अच्छी लोकेशन है और यहाँ पर आप अभी बुक कर दीजिए। इनफैक्ट एक दो महीने का भी वेट मत कीजिए क्योंकि एक दो महीने में भी काफी ज्यादा प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट सिद्धार्थ विहार। अगर आपको सिद्धार्थ विहार के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल रियलिटी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए प्रॉपर्टी की एक से बढ़कर एक वीडियोस लेकर आते हैं। एंड उसी के साथ साथ आई सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।